लाऊंगी, यहाँ दो लाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमोल फेसबुक पेज। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, फिर हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो नीलू, फ्रेंड जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे मुझे उतना खुशी होगी अपना लाइव शेयर करते हुए। तो प्लीज फ्रेंड जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम फटाफट अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो सोनिया कुमार जी, हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीमा ब्रिजेश मिश्रा फ्रॉम यूपी रायबली, आई एम अ होम सेफ। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है कुकिंग फूड के नाम से, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अमूल के टीम अभिषेक सर एंड खुशबू मैम को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ अमूल पेज पर आकर लाइव आ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन्ग्रीडियंट्स दिखा देते हैं, उसके बाद हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे साबुत मूंग, आप इसे डोसा भी बोल सकते हो, चीला भी बोल सकते हो, आप इसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी टाइम भी बनाकर एंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही क्विक बन जाती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, और उसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पर हमने 1 कप मूंग दाल लिया था, जिसे हमने साबुत मूंग लिया था, इसे हमने 4 से 5 घंटे तक भिगो कर रख दिया था। हमने यहाँ पर प्याज लिया है, इसे बारीक चॉप कर लेना है। यहाँ हमने थोड़ी सी हरी धनिया ली हुई है, और यह थोड़ी सी चिली फ्लेक्स लिया हुआ है। यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून हमने जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून टेबल हमने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर लिया है। 2 चम्मच हमने यहाँ पर ग्रेटेड नारियल लिया हुआ है, यानी कि नारियल का बुरादा, और यहाँ पर हमने नमक लिया हुआ है। ये हमने यहाँ पर पनीर ली हुई है, इसे हमने ग्रेट कर लिया है, और हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ली हैं, 8 से 10 हमने यहाँ पर करी पत्ते लिए हैं, और 1 इंच हमने यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लिया है। हम इसमें अमूल का बटर यूज करेंगे, और यहाँ पर हमने 1 लीटर अमूल का मिल्क लिया था, जिससे हमने यहाँ पर पनीर बनाकर रेडी किया है। तो चलिए सबसे पहले हम दाल लिए साबुत जो हमने मूंग लिया, इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने यहाँ पर 2 ग्रीन चिली और अदरक एंड हमने यहाँ पर जो करी पत्ते लिए थे उसे ऐड कर देंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि इसे हम पीस लेंगे।
ये देखिए जो हमने साबुत मूंग यहाँ पर भिगो के रख लिया रखा था उसे इस तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। अब हम यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें सारा पेस्ट निकाल लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, हमने यहाँ पर जो 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया था और जो कुटी हुई काली मिर्च ली थी उसे ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स आप चाहो तो यहाँ पर धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हो, बट हमने नहीं यूज किया। और ये जो हमने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया था 2 टेबल स्पून इसे भी ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह कच्चा नारियल भी यूज कर सकते हो, उससे इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए। और डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स अभी ये पेस्ट हमारा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। जिस जार से हमने पीसा था ग्राइंड किया था उसी में थोड़ा सा पानी डालकर हम और ऐड कर देंगे। अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। 1 से 2 चम्मच के करीब हमने पानी और ऐड कर लिया है, हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें बनाकर रेडी कर लेना है। अब हम चलते हैं गैस की ओर और गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। अब इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, छिड़क देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी और बहुत ही फाइबर है, जैसा कि आपको पता है कि मूंग के छिलकों में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनकर रेडी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। मुझे पता है आज वीकेंड है तो सबका कुछ ना कुछ प्लान है, इसलिए मैं बहुत ही क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ। हाय मोनिका जी, थैंक यू नीलू। जैसे ही तवा हमारा गरम हो जाता है हम इसमें हल्का सा पानी के छींटे मार देंगे इस तरह से, और इसे नैपकिन से हम इस तरह से हम इसे नैपकिन से साफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा पतला नहीं बनता है, बट आप जितना ज्यादा फैला सकते हो आप इसे फैला लीजिए। इस तरह से हमें इसे फैला लेना है। इधर साइड साइड में थोड़ा सा अमूल बटर लगा देंगे। ये
बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। और जब ये पक जाएगा तो ये अपने आप से ही साइड साइड से कोने छोड़ देगा और निकलने लग जाएगा। इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और आपको रेसिपी कैसी लगती है आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर भी बहुत सारी रेसिपीज देख सकते हैं, बहुत सारी सिंपल होममेड रेसिपीज आपको वहां पर मिल जाएंगी। ये देखिए साइड साइड जैसे ही पक जाएगा वैसे ही ये कोनों को छोड़ देगा और बहुत ही इजीली ये निकल जाता है। इसे पलटने में हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। तो ये देखिए एक साइड पक चुका, तो हम इसे टर्न करके थोड़ा सा नीचे की साइड भी पका लेते हैं, उसके बाद हम इसमें स्टफिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि सबूत मूंग में जो छिलके वाली मूंग से हमें रेसिपी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है और साथ के साथ हमें इसे प्रोटीन और फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। तो आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है और झटपट बन जाती है और साथ के साथ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर रेडी होती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पनीर। आप चाहो तो यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो, बट हम नहीं ऐड कर रहे हैं, पर आप चाहो तो इसमें हरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पर अब थोड़े से चॉप किए हुए प्याज ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप प्याज खाते हो तो डालो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट अगर खाते हो तो जरूर ऐड करो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। और हम थोड़ा सा इसमें हल्का सा सॉल्ट इस तरह से ही छिड़क देंगे, हमें ज्यादा नहीं डालना क्योंकि एक्चुअली मैंने पहले से ही मिक्सर में डाल रखा है जो हमने पीस कर रखा था। इसमें हल्का सा हम चिली फ्लेक्स इस तरह से छिड़क देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही इस तरह से हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे जिससे कि अच्छे से इसमें चिपक जाए। बस हम इसे एक से दो मिनट तक और पकाएंगे। हमारा डोसा बनकर रेडी हो गया है। आप इसे डोसा चीला कुछ भी बोल सकते हो, बट बहुत ही स्वादिष्ट बनकर रेडी होती है। आप चाहो तो इसी पे रोल कर सकते हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इसे प्लेट पे निकाल कर, ये देखिए इस तरह से हमें इसी पे, हम तो इसी पे रोल कर ले रहे हैं सर, ये देखिए, बट आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इसे प्लेट पे भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर ग्रीन चटनी ली हुई है और हमने यहाँ पर दही की भी चटनी बनाकर रखी हुई है। तो इस तरह आप इसे बनाकर नाइफ से कट करके खा सकते हो। तो फ्रेंड्स एक ढोसा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। चलिए हम एक ढोसा आपको और बनाकर दिखाते हैं।
तो ये देखिए, एक डोसा हमने बनाकर दिखा दिया है। अब हम आपको दूसरा डोसा भी बनाकर दिखा रहे हैं। इसके बाद हम प्लेटिंग करेंगे और इसे आपको कट करके दिखाते हैं कि कितनी इजीली ये कट भी हो जाता है और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। हल्का सा साइड साइड में हम बटर को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा सा हमने यहाँ पर बटर का यूज किया है। जैसा कि आपको पता है कि अमूल को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अमूल एक ऐसा ब्रांड है जिससे बड़े और बच्चे सबको पता है। हमारी वैसे तो मॉर्निंग ही अमूल के प्रोडक्ट्स से स्टार्ट होती है। वैसे थोड़ा सा पक जाए फिर मैं इसे पलट देती हूँ। थोड़ा सा ये दूसरी साइड भी हल्का सा सेक के उसके बाद ही हम स्टफिंग करते हैं। श्योर नीलू, भेजती हूँ, वेट करो, पहुंच जाएगा अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही इजीली ये पलट जाता है। इस पे पलटने में बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं लगती है। ये देखिए, एक साइड हल्का सा पक चुका है। बस एक साइड हम इसे हल्का सा और पका लेंगे, फिर हम इसमें स्टफिंग भर देंगे और दोनों बस हल्का सा इसे पलट कर इस तरह से पका लेना है। बहुत ही इजी और क्विक बन जाने वाली रेसिपी है और साथ के साथ बहुत ही फायदेमंद है। तो हम इसमें फिर से पहले पनीर ऐड कर देते हैं। पनीर को हमने हाथों से ही पहले क्रम कर लिया था। इस तरह से हमें क्रम्बल कर लेना है पनीर को। आप चाहो तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो। अब फिर से हम इसमें थोड़ा सा प्याज जो हमने बारीक चॉप करके रखा था उसे ऐड कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इस तरह हम हल्का सा नमक छिड़क देंगे क्योंकि हमने नमक ऑलरेडी पहले से ऐड कर रखा है। अब इसमें हम डालेंगे चॉप की हुई धनिया। इस तरह हम इसके चूल्हा से अच्छे से इस कट कर देंगे जिससे कि इसमें स्टफिंग अच्छे से चिपक जाए और फिर हम इसे इस तरह से रोल कर लेना है। बहुत ही इजली हो जाता है अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो आप इसे प्लेट में निकाल के भी रोल कर सकते हो। तो जैसा कि ये देखिए हमारा डोसा कितना अच्छा सा क्रंची बनकर रेडी हुआ। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए हम आपको एक डोसा कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए डोसा हमारा कितना अच्छा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आप इसे ग्रीन चटनी, टमाटो सॉस, दही किसी भी चीज के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई लाइव।